हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बनाई है जलेबी, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है तो क्यों ना जलेबी बना ली जाए। जलेबी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने सबसे पहले जलेबी ही बनाई है। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। मैदे में मैंने 4 चम्मच घी डाला है, मैंने गाय का देसी घी यूज़ किया है। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी 1 इनो। इनो डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लेंगे। घोल बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल घोल रेडी करेंगे इसका, जिससे जलेबियाँ काफ़ी अच्छी बनेगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा नीड के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, जिससे इसका एक स्मूथ घोल रेडी हो जाए। घोल हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद में मैं इसे एक बॉटल में डालूंगी। ये बॉटल मैंने जलेबी निकालने वाली हैं, जो मैंने मार्केट से ली हैं। इसको आप लेके इसके अंदर डालेंगे तो काफ़ी आसानी से ये जो बॉटल है इससे जलेबियाँ बन जाती हैं। इसके बाद में मैं एक पैन लूँगी चाशनी रेडी करने के लिए। पैन में मैंने 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी डालने के बाद में मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड करूंगी। जितना पानी उससे मैंने 2 गुना चीनी ऐड किया है। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनने के बाद इसमें मैं फूड कलर ऐड करूंगी। ऑरेंज कलर ऐड किया है यहाँ पर मैंने। इसको भी अच्छे से उबाल लेंगे। जब ये पानी अच्छे से उबलने लगे तो गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। पैन में 2 कप घी डाला है मैंने। इसके बाद में हम जलेबियाँ निकालेंगे। जलेबियाँ आपको इस शेप में निकालनी है, और गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखना है। ज़्यादा गर्म होने से भी जलेबियाँ अच्छी नहीं निकलेगी, और ज़्यादा लो होगा तो भी अच्छी नहीं बनेगी जलेबियाँ। अभी ये हमारी जलेबियाँ हैं वो गर्म हो रही है, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सेकेंगे इनको। दूसरी साइड से सिकने के बाद में हम इसमें इसको चाशनी में डाल देंगे, और चाशनी भी हमें लो फ्लेम पे रखनी है। अगर बिल्कुल बंद गैस बंद कर दिया तो चाशनी से अच्छी नहीं बनेगी ये जलेबियाँ। इसके बाद में हम इस तरीके से सारी जलेबियाँ निकालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। चाशनी में 1 मिनट तक इसको रखना है, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए इसमें मीठा। इसके बाद में हम इसे एक साइड चेंज करेंगे और निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे इसको, और सर्व के लिए रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से जलेबियाँ बना सकते हो घर पर बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच, एंड हर हर महादेव।